राजस्थान बाना सदर थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर लूटने वाली दो लुटेरी दुल्हन, तीन महिला दलाल सहित एक पुरुष दलाल को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी के निर्देश पर राजेश चौधरी, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक व ओमेंद्र सिंह शेखावत डीएसपी के दिशा निर्देश पर सदर थाना अधिकारी छुट्टन लाल मीणा के नेतृत्व में, चौकी प्रभारी कोयला लक्ष्मी चंद के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा लुटेरी दुल्हन व दलालों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 14 जून को मनोज योगी निवासी ईश्वरपुरा थाना मांगरौल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे व मेरे भाई की शादी करवाने के नाम पर 3,20,000 रुपये नकद लिए थे तथा उससे पहले कोटा निवासी एक युवक से शादी करवाने के नाम पर 1,70,000 रुपये लिए थे। रुपये लेने के बाद लड़कियां साथ भेज दी थीं, लेकिन अगले दिन ही वह फरार हो गईं। उक्त घटना के संबंध में थाना हाजा पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया। थाने में मुकदमा दर्ज होने के 12 घंटे के अंदर ही लुटेरी दुल्हन व 4 दलालों को गिरफ्तार किया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।